नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूबीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित ए ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जीएस पेपर फर्स्ट जिसमें से तीस प्रश्न पूछा जाता है तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट सत्रह इसके पहले सोलह प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं साथ में आप करेंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल के वीडियो आपको चैनल के प्ले में मिल जाएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में वेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों अनकेडमी आप सभी लर्नर के लिए जो एक नए साल में ऑफर लेकर के आई है यदि आप एक मंथ से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 22 प्रतिशत का जो है यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है तो यदि आप यू पी या फिर यू पी थ्रिप्लस किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनकेडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं और ये ऑफर आपका एक जनवरी से लेकर के तीन जनवरी के बीच ही है तो यदि आप एक मंथ से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बाईस प्रतिशत का जो है आपको छूट नए साल में दिया जा रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है वहाँ से जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर तो आपको टेन परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड ही जरूर यूज कीजिएगा बाईस का ऑफ़र केवल आपका एक से जनवरी 2022 तक ही है दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है तो चार ऑप्शन आपके सामने बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है और इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है इसीलिए इसे मोटर वाहनों या बसों में जो है चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए लगाया जाता है उत्तल दर्पण तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा प्रश्न है हरित क्रांति किससे संबंधित है तो आप सबको पता होगा ये गेहूँ के उत्पादन से संबंधित होगा सी ऑप्शन यहाँ पे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत देखा जाए तो उन्नीस सौ छाछठ से मानी जाती है और हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नार्मन बोरला को जाता है और उनके द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा इसकी उत्पादकता को दो से ढाई गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली जो कि यह हरित क्रांति का आधार बनी तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और भारत में यदि पूछा जाए हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो है एम एस स्वामीनाथन और विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलाग तीसरा प्रश्न है वायुमंडलीय ओजोन प्रत की मोटाई नापने वाली इकाई को कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन दाप्सन ओजोन ऑक्सीजन के ये तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो कि समताप मंडल में एक परत के रूप में पाई जाती है तो ये प्रश्न पूछा जाता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो यह समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में यह पाई जाती है और इसे नापा जाता है यानी कि ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को डाप्सन कहते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है चार ऑप्शन आप आपके सामने इसमें बताना है कि कौन से इसमें सदिश राशि है तो ए ऑप्शन यहाँ पे विस्थापन विस्थापन एक सदिश राशि है भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी रहती हैं उन्हें हम सदिश राशियाँ है कहते हैं जैसे कि बेग हो गया त्वरण हो गया बल और विस्थापन ये सदिश राशियाँ हैं जबकि समय चाल दूरी द्रव्यमान आयतन ये सभी अध्य राशियाँ हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवा प्रश्न आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अनुवांशिकी का जनक ऑस्ट्रिया के निवासी हैं ग्रेगर जॉन मेंडल इनको कहा जाता है और इन्होंने अनुवांशिकी का प्रयोग सर्वप्रथम मटर के पौधे पर किया था छठवा प्रश्न केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है तो यहाँ पे डी ऑप्शन चाहिए होगा राजस्थान में और राजस्थान के भरतपुर भरतपुर जिले में स्थित है केवला देवघाना पक्षी अभ्यारण और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी, भी घोषित किया गया है यहाँ पर साइबेरियन सारस लालसर बत्तख ये पक्षी पाए जाते हैं स्पेशली सातवां प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं यानी कि राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इकतीस हैं और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या उन्नीस है और मध्य प्रदेश में ग्यारह सीटें हैं राज्यसभा की और राजस्थान में दस सीटें हैं राज्यसभा की तो सर्वाधिक पूछा गया उत्तर प्रदेश में और लोकसभा की सीटें भी जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है और लोकसभा की अस्सी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में यह संख्या 245 है जिसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है आठवां प्रश्न देखते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था तो किया गया था 1974 में सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा कोड्स नाम से जो है अठारह मई उन्नीस सौ चौहत्तर को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नामक स्थान पर किया था और उन्नीस सौ अंठानवे में उन्नीस सौ अंठानवे ईस्वी में भारत ने अपना दूसरा परीक्षण शक्ति नाइन्टी एट कोड नाम से यहीं पर किया था तो पहला पूछा गया है वह उन्नीस सौ चौहत्तर से ही हो जाएगा नौवा प्रश्न भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं तो बारह पंचवर्षीय योजनाएं भारत में अब तक जो है चलाई गई हैं और 2012 से लेकर के 2017 तक जो है बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा अब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग विभिन्न अल्पकालिक व दीर्घकालिक नीतियाँ बना रहा है और बारहवीं पंचवर्षीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास रहा है तो आपको पता होगा जो है योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है और नीति आयोग कर दिया गया 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है समाप्त कर दी गई हैं दसवां प्रश्न है योजना आयोग को समाप्त करते हुए कब नीति आयोग की स्थापना की गई तो अभी बताया गया आपको दो में और नीति आयोग की स्थापना एक जनवरी दो को जो है योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था अगला जो प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो पर्यावरण से है ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वर्ष उन्नीस सौ में जापान के शहर क्योटो में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति हुई और क्योटो प्रोटोकॉल ये पर्यावरणीय यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे साठ फार्म में कहा जाता है यू एन एफ सी 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 से यह संबंधित है अगला प्रश्न अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है तो बंदी जीवन यहां पे आप देखते हैं डी ऑप्शन बंदी जीवन पुस्तक के रचनाकार हैं सचिंद्र सान्याल बाकी आप देख सकते हैं यंग इंडिया नवजीवन और हिंद स्वराज ये गांधी जी की जो है पुस्तकें हैं अगला जो प्रश्न है सी एन जी है तो सी एन जी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है और जो है इसे हिंदी में कहते हैं संपीडित प्राकृतिक गैस तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे अगला जो प्रश्न है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए कितना तो तैंतीस प्रतिशत होना चाहिए सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम एक तिहाई अर्थात तैंतीस प्रतिशत भूभाग पर वन होने आवश्यक हैं अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर यह किससे संबंधित है तो संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अनियोजित औद्योगिक विकास अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग और यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ये ध्वनि प्रदूषण करने में अत्यधिक योगदान देते हैं विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं तो ग्रीन मफलर पूछा गया है किससे संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से ये संबंधित है सत्रहवा प्रश्न है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो है धान का खेत बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा धान का खेत हो गया या कोयले की खदाने एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन ये मानवीय स्रोत हैं जबकि आर्द्रभूमि हो गया और समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है तो धान का खेत यहाँ पे सही हो जाएगा अठारवा प्रश्न है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन सौ चौबीस पाँच में है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं परंतु किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को अपने पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता है तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा उन्नीसवा प्रश्न संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वह थे बी एन राव सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और बीसवा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है तो चौदह दिन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भारतीय संविधान में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए जैसे जिसमें संविधान के अनुच्छेद इकसठ दो में है कि ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित तो न किया गया हो तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है प्रश्न निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को को ग्राम पंचायतों संगठित करने के लिए निर्देशित करता है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमेशा जो है पूछा जाता है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा अनुच्छेद चालीस में अनुच्छेद चालीस जो है सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए वह आवश्यक हो बाईसवां प्रश्न है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है और लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं पूछा जाता है तो बाईस सदस्य होते हैं इनमें लोकसभा से पंद्रह सदस्य होते हैं और राज्यसभा से सात सदस्य होते हैं तो लोक लेखा समिति में यदि पूछा कितने सदस्य होते हैं तो बाईस सदस्य अगला प्रश्न गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है तो ऋग्वेद में सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रश्न है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था तो यह एक खैराती अस्पताल था बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सल्तनत कालीन शासक फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था यह और पच्चीसवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई है तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से सी डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा उन्नीस के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने पर सभी प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तार होने के बाद जो है जयप्रकाश नारायण हो गए अरुणा आसफ अली इन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व तो किया था तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा छब्बीसवा प्रश्न है उन्नीस में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू ये ऑप्शन सही होगा गया यहाँ पे 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अनुसमर्थित किया गया था तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सत्ताईसवा प्रश्न है किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं तो वेलेंटाइन सीरोल के द्वारा ये कहा गया था ये ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न माउंट बेटन योजना आधार बनी तो ये आधार बना देश के विभाजन का सी विकल्प सही हो जाएगा माउंट बिटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी और इस योजना को तीन जून योजना के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है तो वह है कर्नाटक डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और कर्नाटक आपको पता ही होगा कि कॉफ़ी के उत्पादन में भी इसका जो है अग्रणी स्थान है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सिल्क सूत पूछा गया अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस में दो हजार ग्यारह में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी तो नागालैंड में कई बार ये पूछा गया यूपीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में तो याद रखिएगा यहाँ पे कि वर्ष दो जनगणना के अनुसार देखा जाए तो नागालैंड की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट तो सी आप पे सही हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाला एग्जाम एल्टी ग्रेड जिसमें जी पेपर में तेईस प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे तो उसका यह सत्रहवा प्रैक्टिस सेट था इसके पहले सोलह प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों एकेडमी पे जो है उद्गम यू पी पी एस सी आर ओ आर ओ दो हज़ार इक्कीस मेन्स के लिए यानी कि पेपर टू और पेपर थ्री के लिए बैच को शुरू कर दिया गया है जो लोग जो है अन पर आर ओ ओ मेन्स के लिए जुड़ना चाहते हैं या जो है कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हिंदी आलेखन है इसमें समान हिंदी है और हिंदी निबंध ये बैच आपका बाईस दिसंबर से शुरू कर दिया गया है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जो है डिटेल में देख सकते हैं और बैच से जो है जुड़ सकते हैं उसके बाद है उन्नत यूपी लेखपाल दो प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज जो है ये शुरू कर दिया गया है। आप इसे भी जो है इसमें इनरॉल होकर के जो है आप ये पूरी जो है डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ये छः बजे शाम को जो है ये नब्बे मिनट का सेशन होता है जिसमें कंप्लीट सिलेबस जो है आपको दिया जाएगा ये प्रत्येक सैटरडे यानी कि शनि को फ्री टेस्ट सीरीज जो है करा है कराया जाता सौ क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो मार्क्स के होते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है है लिंक आप जो से हो सकते हैं फिर आपका विजय भाव यूपीपीएससी पीसीएस मीन टेस्ट सीरीज तो आप जो है शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं और टाइम इसका आपका साढ़े नौ से साढ़े बारह है आप ज्वाइन कर सकते हैं फिर आपका विजेता यूपीपीएससी प्रीम्स जीएस पेपर का फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो कि फ्री एम सी जो है टेस्ट सीरीज है और बारह से के 26 छब्बीस दिसंबर तक जो है ये आपका वैच है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी जो है लिंक दे दिया गया और इसमें आप जो है रैंक वन टू थ्री फोर से के ट्वेंटी फाइव तक जो है आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दिया गया वहाँ पे जाके आप जो है चेक कर सकते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले अनकेडेडमिका का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर अनकेडमिक लर्निंग ऐप जो इंस्टॉल कर लीजिएगा फिर अपने मोबाइल नंबर या ई मेल के थ्रू जो है आप लॉग करके आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यदि आप, आप यूज़ करेंगे एग्जाम लर्नर तो टेन आपको जो है डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा